हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार व भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित के निर्देशानुसार कैलाश नगर मंडल के जोगापुर गांव में मंडल अध्यक्ष गणेश राज पुरोहित के नेतृत्व में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन का शुभारंभ हुआ। ये प्रशिक्षण शिविर पूरे राजस्थान में प्रत्येक मंडल स्तर पर होंगे, जिसकी शुरुआत सिरोही जिले में कैलाश नगर मंडल से हुई। शिविर में प्रदेश द्वारा अलग विषय पर वक्ता नियुक्त किए गए हैं। जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष दिलीप सिंह मांडानी, जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल, जिला मंत्री प्रकाश मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हिम्मत पुरोहित, जुजार सिंह, लक्ष्मी नारायण, मन की बात जिला संयोजक मांगू सिंह बावली आदि ने संबोधित करते हुए वक्ता के रूप कार्यकर्ताओं को राष्ट्र एवं प्रदेश की कई जानकारियों व उपलब्धियों से अवगत करवाया। वहीं जिला अध्यक्ष पुरोहित ने संबोधित करते हुए कहा कि इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं नई ऊर्जा का नियम होगा, जिससे संगठन मजबूत होगा। इस दौरान उपस्थित रहे मंडल महामंत्री अमृत अग्रवाल, महेंद्र सुथार, गोपाल रावल, कन्हैया लाल, कुंदनमल राठी, मुकेश प्रजापत, भगवत सिंह, रावताराम देवासी, सरवण प्रजापत, राजरुद्र सिंह, पर्वत सिंह, रमेश कुमार, अशोक कुमार, विशा राम, हकमा राम, गणेशा राम, नाथुराम चौधरी, चमना राम चौधरी, हीमा राम, रामा राम, अशोक वागरी, हीरा राम, नरपत सिंह, जबर सिंह, मंगल सिंह, पका राम, नगा राम, वागा राम आदि भाजपा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।